ही एवरीवन, नमस्ते। हेड मसाज न केवल हमारे पेन और स्ट्रेस के दिनों में हमें रिलीफ देता है, ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमें रिलैक्स देता है। एंशिएंट इंडिया में आयुर्वेद ने प्रेशर पॉइंट के बारे में प्रेशर पॉइंट को हेड से नेक के बीच बताया गया है। इस प्रेशर पॉइंट को संस्कृत में मर्मा पॉइंट कहा गया है। मर्मा पॉइंट प्रेशर पॉइंट को मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है, जो हमारे हेयर फोलिकल को ग्रो करने में हेल्प करता है। मर्मा पॉइंट एनर्जी हॉट स्पॉट है, जो हमारे स्ट्रेस, साइनस, डिप्रेशन, हेयर लॉसेस, इंसोम्निया और बहुत से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। हेड मसाज के लिए ऑयल लेना है, मैंने यहाँ पे घर पे बना हुआ ऑयल लिया है। इसे डबल बॉयल प्रोसेस के साथ गर्म करना है। गर्म तेल मसाज आइडियल माना जाता है, इसे ऑयल क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे पहले हम अपने बालों को कॉम करके टेंगल फ्री कर देंगे। टेंगल फ्री हेयर में मसाज करना अच्छा होता है, इससे बाल उलझते नहीं हैं। बेड टाइम में मसाज करना बहुत अच्छा माना जाता है। प्रेशर पॉइंट मसाज न केवल हमारे थकान में हमें रिलैक्स देता है, जो हमारे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टायर्डनेस, थकान में, इंसोम्निया, रिलैक्स मिलता है। ये हमारे हेयर ग्रो के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करवाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करके हमारे हेयर ग्रो में हमारी हेल्प करता है। पॉइंट सेंटर ऑफ आईब्रोज स्थापनी मन, संस्कृत आयुर्वेदा में इसे थर्ड आई पॉइंट कहते हैं, जो सेंटर ऑफ कामिक एनर्जी है, जो सेंटर नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसे पॉइंट पर हिंदू वुमेन्स बिंदी लगाती हैं और मैन तिलक लगाते हैं। दोनों हाथों से प्रेस करें सेंटर ऑफ आईब्रोज, जिसे अवित्या मर्म कहते हैं। आईज रिलैक्स के लिए मसाज करें। आईब्रो से 8 उंगलियां ऊपर। आयुर्वेदा में इस पॉइंट को अधिपति मर्म और सॉफ्ट स्पॉट कहा गया है। यह प्रेशर पॉइंट सभी सेंसेस पॉइंट का मास्टर पॉइंट है। इस प्रेशर पॉइंट पर मसाज करने से सर्कुलेशन बूस्ट होता है। इसके साथ साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और बहुत सारी तेल लगाकर मसाज करें। कुछ लोगों को प्री मैच्योर रिसाइडिंग हेयर लाइन की शिकायत होती है और फोर हेड पर बाल पैचेज की शिकायत को दूर करने में हेल्प करता है। दोनों हाथों की फिंगर को इस तरह से ज्वाइन करके प्रेस करें स्कैल्प का सेंटर ऑफ फ्रोगल स्पॉट है। आईब्रो से 12 उंगलियों के डिस्टेंस पर आयुर्वेद में इस प्रेशर पॉइंट को सीमांत मर्म और स्कल स्पॉट कहा गया है। ये हमारी बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होता है। ग्रेविटी के चलते कम ब्लड सर्कुलेशन होता है। ज़्यादा लोगों को गंजेपन की शिकायत यहीं से शुरू होती है।
तेल लगा करके मसाज करें। बाल पैचेज की शिकायत को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को हाई करने के लिए इस प्रेशर पॉइंट पर अच्छे से मसाज करें। थकान के दिनों में हेड मसाज हमें रिलैक्स देती है, अच्छी नींद आने में सहायक है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा के गंजेपन की शिकायत को कम करता है और न्यू हेयर ग्रो में हमारी हेल्प करता है। मसाज के अच्छे रिजल्ट के लिए वीक में कम से कम 2 बार गर्म तेल से हेड मसाज करें। अब नेक से 4 उंगलियां ऊपर इस पॉइंट को आयुर्वेद में क्राकाटिका मर्म कहा गया है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रल को एंड करता है। जो लोग कंप्यूटर और लैपटॉप पर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, जिनकी सीटिंग की जॉब है या फिर ज़्यादा देर तक स्टडी करते हैं, उन लोगों को यह प्रेशर पॉइंट पर मसाज करने से रिलैक्स फील होता है। ऑयल लगाकर मसाज करें। हाई प्रेशर पॉइंट पर ऑक्सीजन और ब्लड कम प्राप्त होता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। तो हाई प्रेशर पर ब्लड सर्कुलेशन हाई करने के लिए ऑयल से मसाज करें। जिन भी लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम है या फिर ज़्यादा देर सीटिंग जॉब है, स्टडी के लिए ज़्यादा देर बैठना पड़ता है, नेक मसाज से उन लोगों को रिलीफ, पेन रिलीफ मिलता है। दोनों हाथों से अच्छे से मसाज करें। इससे हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम खत्म होती है और न्यू हेयर, न्यू बेबी हेयर ग्रो करते हैं। रिलैक्सिंग मसाज हमें पेन में रिलीफ देती है और इससे अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आने की वजह से हमारा डिप्रेशन कम होता है। टीमी डिप्रेशन, कान के पीछे वाले पॉइंट को आयुर्वेदा में विद्युत मर्म कहा गया है। इस प्रेशर पॉइंट पर मसाज करने से हमारे सुनने की दिक्कत को दूर करता है। तेल लगा करके हल्के हाथों से मसाज करें। ये बहुत रिलैक्स्ड होता है, अच्छी नींद के साथ सुनने की प्रॉब्लम को दूर करता है। सर को नीचे करके मसाज करने से हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। दोनों हाथों से मसाज करें। उंगली और अंगूठे की हेल्प से कान के पीछे साइड हेड पर मसाज करें। इस पॉइंट को सीमांत मर्म कहा गया है। इस प्रेशर पॉइंट के मसाज ब्रेन रिलैक्स रहता है और इंसोम्निया, एंगर मैनेजमेंट, डिप्रेशन, एंजाइटी और हेडेक से रिलीफ मिलता है।
उंगली और अंगूठे की हेल्प से प्रेशर पॉइंट पर मसाज करें। थकान के दिनों में डेस्क जॉब वाले रिलैक्स के लिए गर्दन के पीछे प्रेशर पॉइंट पर मसाज करें। रेगुलर हेयर मसाज करने से हेयर ग्रो फास्ट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।